गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। कल हम लोगों ने आपको एक वीडियो दी थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और हमें आप उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वो कैसी वीडियो रही, कहां तक आपको समझ में आई। और चूंकि वो हम लोगों के सेक्शन की, स्पोकन इंग्लिश सेक्शन की पहली स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो थी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है उसे आप जरूर देखिएगा, देख करके हमको आप फीडबैक दीजिएगा। हालांकि जो कंप्यूटर का हमारा सेक्शन चल रहा है, जहां पे हमारे ओ लेवल के टीचर्स काम कर रहे हैं, ओ लेवल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहां पे कुछ वीडियोज हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रेगुलरली मिलती रहती हैं, तो लेकिन आप चूंकि हमने इस पर पहली बार काम किया है तो आप उसको एक बार देखिएगा, देख करके मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों के स्पोकन इंग्लिश सेक्शन में एकदम पावरफुल का काम करता है, एकदम बूस्टिंग का काम करता है और हमें एनर्जी देता है, वो है मॉडल वर्ब्स। बिल्कुल, MODAL मॉडल्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल्स। मॉडल्स वर्ब भी कहते हैं, मॉडल्स भी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है, कुछ लोग इसको मॉडल्स पढ़ते हैं, भैया ये मॉडल्स नहीं होता, इसको मॉडल पढ़ना, मॉडल मॉडल मॉडल, समझ रहे हैं ना, मॉडल, ओके। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी स्पेलिंग ये लिखते हैं, कुछ लोग हमने देखा है कई बार हमारे स्टूडेंट्स जो स्पेलिंग इसकी लिखते हैं MODEL। भैया मॉडल क्या होता है पता है, ये मॉडल वो होते हैं, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा रोल प्ले करे, जैसे कहते हैं ना कि ये हमारे रोल मॉडल है, तो ये मॉडल है, ये मॉडल मॉडल। जैसे कोई अगर मान लीजिए हीरो है, मान लीजिए आपके जो फेवरेट हीरो है सलमान खान है, कोई भी है, तो अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो बहुत सारे रोल प्ले कर सकता है, तो वो मॉडल है, ओके। और मॉडल्स क्या होता है, सॉरी मॉडल क्या होता है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मॉडल वर्ब है, जो हमारे सेक्शन का, हमारे स्पोकन इंग्लिश सेक्शन का एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट दैट टॉपिक, ओके, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी फुल वर्ब की, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पे हमने बताया है कि मॉडल क्या है, ये भी एक वर्ब का पार्ट है। बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं फ्लैशबैक में ले चल रहा हूं सिर्फ दो मिनट के लिए। जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक होता है हमारा मेन वर्ब और दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। बस दो मिनट देखिएगा, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहता हूं, फिर हम लोग तुरंत अपने टॉपिक पे आएंगे। मेन वर्ब को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, आपको याद होगा अगर, तो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, रेगुलर इरेगुलर और फाइनाइट नॉन फाइनाइट। इसी तरीके से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को, एक्सिलरी वर्ब को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया था। पहला डिवाइड किया था सेमी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरा किया था मैंने आपसे, पहला किया था सेमी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा किया था मैंने मेन वर्ब, और तीसरा हमने किया था मॉडल्स। तीन पार्ट में यहां भी डिवाइड था, तीन पार्ट में यहां पे भी डिवाइड था। तो आज हम लोग जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ये मॉडल वर्ब का सेक्शन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो वीडियो देखना, अगर आप नहीं देखे तो कोई बात नहीं, हम लोग जहां से स्टार्ट कर, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इसके पहले की वीडियो, कोई वीडियो नहीं देखे कभी जिंदगी में, स्पोकन इंग्लिश की कोई क्लास नहीं लिए हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इसके पहले अगर आप कोई भी अपना क्लास नहीं लिए हैं, यहां पे कोई क्लास नहीं लिए हैं और कहीं पे भी आपने कोई क्लास नहीं ली है स्पोकन इंग्लिश, तब भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लोग एकदम, आज जो टॉपिक हमारा सबसे अलग है। और होता क्या है ना, स्पोकन इंग्लिश सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी होते हैं, भले मैं आपसे कहता हूं दूसरे से सिमिलर होते हैं लेकिन दूसरे के इंडिपेंडेंट भी होते हैं। आइए देखते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं। पहले मैंने क्या बताया आपको, किसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात एक बात आप लोग ये जान लीजिए कि जो मॉडल्स होता है ना, या जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये क्या शो करते हैं, ये यूज क्यों होते हैं और ये होते क्या है। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है, वी आर थिंकिंग ऑलवेज अबाउट इट, एक्चुअली हाउ इट इज यूज एंड व्हाट्स इट्स इंपॉर्टेंट। तो डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट नो दैट जनरली मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स एंड इमोशन। फिर से ध्यान से, क्या शो करता है ये, अपनी फीलिंग और इमोशंस को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आई, मींस व्हाट, इफ यू आर सेइंग समथिंग, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आई कैन डू, यस आई कैन डू दिस वर्क, तो वहां पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने फीलिंग और इमोशन की बात कर रहे हैं। तो इन दैट रिगार्ड वी कैन से दैट व्हाइल वी आर एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस वी आर यूजिंग मॉडल्स। मींस इफ यू जस्ट वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर इमोशन, इन दैट रिस्पेक्ट यू हैव टू यूज मॉडल्स। ये बात भी समझ में आ गई, मीन्स अपने एक्सप्रेस, अपने फीलिंग के लिए, इमोशन के लिए हम लोग मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, ओके। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर आगे और चलता हूं मैं, चलिए आगे चलता हूं मैं, कुछ आपको मैं बातें बताता हूं, चूंकि अभी मैं इसको स्टार्ट करूंगा। मैंने आपसे बता दिया क्या कि जो मॉडल्स होते हैं वो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी बात, जो मॉडल्स होते हैं,
ये कभी भी मेन वर्ब नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। हमारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये क्या होते हैं, चूंकि अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये क्या होते हैं, ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब के पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पार्ट होते हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट अ हेल्पिंग वर्ब अ नीड ऑफ अ मेन वर्ब। बिल्कुल कभी भी जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो बिना मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का बिना काम कर सकता है। अगर आपको एक सेंटेंस में मेन वर्ब है और वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो उस काम चल सकता है, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पे मेन वर्ब जरूर चाहिए। तो याद रखिएगा, मॉडल्स ऑलवेज टेक्स अ मेन वर्ब। ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा किसके साथ काम करेगा, हमेशा ये मेन वर्ब के साथ काम करेगा, याद रखिएगा। अगर मेन वर्ब नहीं आप अलाउ करेंगे सेंटेंस में तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। पहली बात ये समझ में आई। दूसरी बात, अब जब वर्ब लेगा अपने साथ, मेन वर्ब लेगा, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी लेगा। डियर, वन थिंग यू नो ऑलवेज दैट मॉडल्स टेक ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिएगा, कौन सा वर्ब लेता है, ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। बस कोई भी मॉडल, दुनिया का कोई भी मॉडल, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से मॉडल हमें पढ़ने हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहली बात क्या कि हमेशा अपने पास तुरंत अपने बाद ही एक मेन वर्ब लेगा, और हमेशा कौन सा फॉर्म होगा, ये हमेशा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेगा। तीसरी बात, ये जो ऑक्यूपाई होता है ना, ये हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। यस, इट ऑकर्स ऑलवेज बिफोर मेन वर्ब। अगर यहां पर हमारा मॉडल्स है तब उसके बाद हमारा मेन वर्ब होगा। मीन्स तीन बातें हम लोग समझ लिए क्या, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये पहला क्या लेता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। दूसरी बात, इसको एक मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट 100% है, जो मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट है वो इसके तुरंत बाद आएगा। इतनी बातें समझ लिए, अगर आप इतनी बात समझ लिए तो हम लोग आगे चलते हैं। और आपको मैं अब ये बता दूं कि हम लोग कौन कौन से मॉडल्स कवर करने वाले हैं, मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि अपने हाथ में कॉपी कलम ले लिया करिए। जब भी आप पढ़िए, जब भी आप वीडियो को देखिए, तो आपके हाथ में एक कलम कॉपी चलनी चाहिए, ताकि आप ये समझ पाएं कि ये इंपॉर्टेंट कहाँ है, इसमें क्या हमें लिखना है। और एक बात और जान लीजिए, आप किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, आप 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से बनने, एकदम 100% ये बात क्लियरली जान लीजिए कि यहां से क्वेश्चंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के दृष्टिकोण से, स्पोकन इंग्लिश के दृष्टिकोण से, मींस व्हाटएवर यू आर डूइंग इन आवर डेली लाइफ यू मस्ट नो ऑल अबाउट मॉडल्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर, जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं मॉडल्स में वो क्या कवर कर, थोड़ा जान लेते हैं। कैन हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, कैन पढ़ने बाद हम लोग कुड के बारे में पढ़ेंगे, फिर मे पढ़ेंगे, फिर हम लोग माइट के बारे में पढ़ेंगे, शैल पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ेंगे, विल पढ़ेंगे, अगर इधर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं फिर से इधर लिखता हूं, विल पढ़ेंगे, यहीं पे हम लोग उड भी पढ़ेंगे, ठीक है, कैन पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, मे पढ़ेंगे, माइट पढ़ेंगे, शैल पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ेंगे, विल पढ़ेंगे, वुड पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको डेयर और यूज टू, हालांकि दोनों चीजें अलग होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा डेयर एंड यूज्ड टू, इसको हम, अगर आप मेरा क्लासिफिकेशन देखे होंगे हेल्पिंग वर्ब का, एक्सिलरी वर्ब का, तो यहां पे इन दोनों को मैंने सेमिंग हेल्पिंग वर्ब में बोला। अब ये क्यों बोला आपको मैं बताऊंगा, हालांकि इसको मैं भी अभी यहीं पे पढ़ाऊंगा, मैं आपको मॉडल वर्ब में ही डेयर और यूज टू को भी कवर करूंगा, साथ में हम लोग इतने सारे सेक्शंस कवर करेंगे। और आकार अभी तो कुछ आपको और भी नए मिलेंगे, इसके अलावा भी आपको मैं कुछ और भी मॉडल वर्ब दूंगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले मॉडल वर्ब से, जो कैन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, हमारे डेली लाइफ में जो मॉडल है वो कौन सा है, वो कैन है। तो हम लोग कैन से स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला मॉडल वर्ब है। और अब एकदम सीरियसली, एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे किसकी कहानी, कैन की कहानी स्टार्ट करेंगे। सी ए एन स्पेलिंग होती है। अगर हम लोग बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, मीन्स वेदर आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू इन हिंदी, बट यू मस्ट नो इफ यू वॉन्ट टू से कैन इन हिंदी, देन यू हैव टू से वॉट, सकना, देन यू हैव टू से सकना, ओके, मीन्स वॉट यू आर गोइंग टू से दैट मैं ये काम कर सकता हूं, ओके, आप ये काम कर सकते हैं, हालांकि मैं अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में डिटेल। सो इफ यू वॉन्ट टू नो द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, देन यू शुड नो दिस इज जनरली यूज एज ए सकना इन हिंदी।
वेदर वी डू नॉट हैव टू गो थ्रू हिंदी, हमें हिंदी नहीं पढ़ना, हम लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे, हम लोग इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, और इंग्लिश इन द सेंस वी आर गोइंग टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी, हम लोग पर्सनैलिटी डेवलप करने का भी काम कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को। मैंने आपसे कहा था पहली क्लास में कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को भी इनहेंस कर रहे हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि फटाफट अपने दोस्तों को शेयर किया करिए, वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर तुरंत करिए, वो सारे दोस्त भी आपके जान ले जो आप जो अभी क्या हो रहे हैं, जो बैठे हुए जो फ्री हैं। ओके, तो देखते हैं कैन का मतलब क्या होता है, सकना होता है, इतनी बात समझ लिए। दूसरी बात जो हम लोग उसका प्रयोग करते हैं ना, वो कहाँ कहाँ करते हैं जानते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले मुझसे क्या शो करते हैं, इससे अपनी एबिलिटी शो करते हैं। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एबिलिटी शो करते हैं। इसके बाद हम लोग इसी से शो करते हैं, कैन का हम लोग यूज करते हैं अपना पावर शो करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, एबिलिटी, पावर, इसके बाद हम लोग शो करते हैं कैपेसिटी, इसके बाद हम लोग क्या शो करेंगे, अभी देखिएगा इसके इसका इंपॉर्टेंट सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी भी इसे शो होती है, पावर भी शो होता है, कैपेबिलिटी भी शो करता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, रफ परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, रफ परमिशन, ठीक है, रफ परमिशन। साथ साथ हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, इसके अलावा जब भी हमें किसी को ऑफर देना होता है, ध्यान से देखिएगा, एबिलिटी, पावर, कैपेबिलिटी, रफ परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड ऑफर, इतने जगह यूज करते हैं हम लोग किसका, कैन का। इस मॉडल सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी अगर हमें बताना तब भी हम लोग कैन का यूज करेंगे, अपना पावर बताना तब भी हम लोग कैन का यूज करेंगे, कैपेबिलिटी कैपेसिटी के लिए भी पावर कैन का यूज करेंगे, रफ परमिशन, 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 समझ रहे हैं ना, परमिशन लेने के लिए, परमिशन ग्रांट करने के लिए, अगर आपको किसी से परमिशन लेना है तो वहां पे भी आप कैन का यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी बता रहे तब भी आप कैन का यूज करेंगे, और जब किसी को आप ऑफर दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं तब भी आप कैन का यूज करेंगे। बात समझ में आई। आइए अब हम लोग सबका एक एक बारी बारी से एग्जांपल देख लेते हैं, और रह गई बात इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, नहीं तो फिर हम बाद में बताना उसको भूल जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बार बार बच्चे हमसे कमेंट करते हैं सर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा लेट बताते हैं, तो पहले स्ट्रक्चर ही देख लीजिए, ठीक है। जो इसका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा वो देख लीजिए, मैंने कोशिश किया कि थोड़ा क्लियर भी लिखूं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस, मैंने बताया था आपसे जनरली पहले क्या होना चाहिए, जो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वहां पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो यहां पे भी पहले कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के यूज होने के तुरंत बाद हमारा क्या आएगा, मॉडल आएगा, इसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, इसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी यूज करते हैं, ये आपका होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। और चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, कैन पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू कैन, सो व्हाट विल बी आवर स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, दिस विल बी आवर स्ट्रक्चर, वट एवर वी आर गोइंग टू डू वी हैव टू फॉर्म इट आवर सेंटेंस इन दिस वे। दिस इज एक्चुअली अफर्मेटिव केस, यहां पर क्या ये अफर्मेटिव का है, अभी मैं आपको नेगेटिव बताऊंगा, और इंटरोगेटिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सुपर है, उसके लिए हम पूरा आपको डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन अभी देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर जान लिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग बारी बारी सबका एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले हम लोग बात करें अगर एबिलिटी की, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझे, बहुत स्लाइट डिफरेंस है एबिलिटी, पावर और कैपेबिलिटी में। अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, कैसे हम लोग इसको डिफरेंस करेंगे। लेकिन आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, एकदम क्लियर कर दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है एबिलिटी का, पावर और कैपेसिटी में। ओके, देखते हैं। तो जो एबिलिटी होता है एक्चुअली में क्या होता है, ये स्किल के लिए यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्किल मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं, जैसे क्या होता है, टाइपिंग एक स्किल है, टाइपिंग कोई टॉपिक नहीं है, कोई आप सिलेबस नहीं, टाइपिंग एक स्किल, कला सीखते हैं, डांस को लोग क्या बोलते हैं, उसको भी एक स्किल बोलते हैं, सिंगिंग क्या है, एक स्किल है। तो जहां पे हम लोग कुछ क्रिएटिव करते हैं वो क्या होता है, हमारा स्किल होता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी इन द सेंस हम लोग स्किल के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे बोला अगर आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव
कार, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कार को ड्राइव कर सकता हूं। तो कार ड्राइव करना क्या है, स्किल है, मीन्स कि मेरी एबिलिटी क्या है, कार को ड्राइव करने की है। मेरी एबिलिटी क्या है कि मैं कार को ड्राइव कर सकता हूं, ये क्या है, मेरी एबिलिटी है। ओके, आप इसके अलावा ये भी कह सकते हैं, आई कैन डांस। वाह, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये भी क्या है, ये भी आपकी स्किल है, मीन्स वॉट, आप अगर डांस कर रहे हैं ना तो ये क्या, ये आपकी क्या है, ये एबिलिटी है, आपकी योग्यता है, योग्यता है, एबिलिटी है। हालांकि एक बात और समझिए, आपको ज्यादा कैन पे डिपेंड नहीं रहना है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम एबल टू डांस, आई एम एबल टू ड्राइव कार। मतलब क्या हो रहा है, आप एबल टू का यूज कर सकते हैं, एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। कब, जब आप कैन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, जब आप कैन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप एबल का भी यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, आई हैव एबिलिटी टू, ये भी लिख सकते हैं आप। देख लीजिए, तो सारा बता रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, सारे टॉपिक एक साथ क्लियर कर रहा हूं। आई हैव एबिलिटी टू डांस या ड्राइव कार, जो भी कह रहे हैं आप, जो भी लिख रहे हैं आप लिखिए सीधे सीधे, आप सीधे सीधे लिखिए, जिस फॉर्म में भी लिख रहे हैं, आई हैव एबिलिटी टू डांस या ड्राइव कार। अब देखिए मैंने क्या लिखा, हैव के साथ एबिलिटी का यूज किया, हैव के साथ एबिलिटी का यूज किया, आई हैव एबिलिटी टू ड्राइव कार या डांस। तो अब क्या हो रहा है कि जरूरी नहीं कि आप कैन का यूज करें, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आप एबिलिटी को कैन के अलावा आप बी के फॉर्म यूज करके, हैव का फॉर्म यूज करके भी काम चल सकता है। जरूरी नहीं कि आप एकदम कैन पे डिपेंड रहिए, लेकिन हम लोग चूंकि मॉडल्स पढ़ रहे हैं अभी, मैं आपको भी डिफरेंस इसका बाद में बताऊंगा, जब हम लोग हैव का अलग से फॉर्म पढ़ेंगे, उसका अलग से यूज पढ़ेंगे, तो हम लोग वहां पर जानेंगे। अभी हमें क्या जानना है कि जब हम लोग अपनी एबिलिटी शो करेंगे, जब अपनी हम लोग एबिलिटी शो करेंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ये बातें समझ में आई, मैं मिटा देता हूँ इसको, ताकि अभी हम लोगों को आगे पढ़ना, प्लीज़ आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए, ताकि आप लोगों को समझने में बड़ा आसानी हो और आप इसको आराम से समझ सके। दूसरा देखते हैं, पावर, पावर समझ रहे हैं ना, पावर, पावर की बात करेंगे। यस, पावर शो करना मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आप सामने वाले को कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं। मेरी बात समझिए, पावर मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जब पावर की बात कब करते हैं, जब थोड़ा सा, एक तो ठीक है कि हमें पता है कि हम ये काम कर सकते हैं, एक तो पावर मतलब का जब अपने ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस है, नहीं ये काम हम कर ही सकते हैं, मतलब ये मेरे पास क्या है, पावर। जैसे आप कह रहे हैं किसी को, आई कैन स्लैप यू, मतलब क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हें स्लैप कर सकता हूं। आप ये भी कह सकते हैं, I can beat you। हालांकि अब ये नहीं कहेगा कि आई कैन किल यू, अब ये मत बोलेगा कि मैं आपको स्लैप कर सकता हूं, ये क्या, ये मेरा पावर बोल रहा है, ये मेरा पावर है क्या, कि मैं क्या कर सकता हूं, आपको स्लैप कर सकता हूं, आपको मैं बीट कर सकता हूं, ये क्या है, मेरा पावर है। तो पावर समझ रहे हैं कि जो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा एब नॉर्मल होता है, नॉर्मल में क्या होता है, हम आपसे जैसे क्या हो रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं ना तुम्हें मैं पीट सकता हूं, तो ये क्या है, मेरी पावर है। अब बात करते हैं कैपेसिटी की, बात एकदम समझ में आ रही है आपको, अगर नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको फिर से उसको कोशिश करूंगा बताने की। कैपेसिटी की बात करते हैं, जब हमें अपना कैपेसिटी शो करना होता है, तो कैपेसिटी दो सेंस में होता है। एक तो जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा, अगर फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा, तो जैसे वहां पर क्या था कि दिस वाटर टैंक कैन स्टोर ओनली 3000 लीटर ऑफ वाटर, या 1000 लीटर, या फिर 100 लीटर। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, दिस बॉटल कैन स्टोर या कैन कंटेन, जो भी कंटेन्स, 1 liter वॉटर। अब मैंने क्या बोला आपसे कि दिस बॉटल कैन स्टोर 1 liter वॉटर, मतलब क्या हो रहा है, ये जो बॉटल है वो कितना पानी स्टोर कर सकती है, 1 liter स्टोर कर सकती है। बात समझ में आ रही है, तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता की बात होती है। हालांकि हम लोग उसको लिविंग बींग के लिए भी यूज करते हैं, जैसे मैं बोलूं आपसे कि मेरी क्षमता क्या है, मैं एकदम मतलब अपनी मैं बता रहा हूं क्या, कि आई कैन राइट 100 पेज इन अ डे,
मतलब क्या हो सकता है कि मैं अपनी क्षमता तर्क में क्या कर सकता हूं, मैं एक दिन में 100 पेज लिख सकता हूं। आई कैन जंप फ्रॉम फिफ्थ फ्लोर, मैं क्या कर सकता हूं, मैं फिफ्थ फ्लोर से जंप कर सकता हूं ना। आई कैन डू एनीथिंग, हालांकि ये पावर हो जाएगा, लेकिन जैसे अगर आप जब अपनी आप क्षमता बता रहे हैं, जब अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, आप कैन का यूज करेंगे। तो ये तीनों बातें आपके समझ में हमको लगता है आ गई होंगी। कौन कौन सी बातें, आप एबिलिटी समझ ली, एबिलिटी क्या होता है, स्किल होता है, एबिलिटी क्या होता है, स्किल होता है, और पावर हम लोग शो करते हैं किससे, कैन से, और हम लोग कैपेसिटी भी शो करते हैं कैन के यूज से। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे परमिशन की, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने एक वर्ड लिखा रफ परमिशन, परमिशन नहीं, ऐसे परमिशन के लिए बताऊंगा मैं आपको, अभी हम लोग मे का यूज सीखेंगे करना, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल्स का सीखेंगे परमिशन के लिए। लेकिन 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 कैन का भी हम लोग यूज करते हैं, वी आर ऑल्सो यूजिंग कैन फॉर ग्रांटिंग परमिशन। ओके, दोनों चीज में होता है, किसी से परमिशन लेना है तब भी कर सकते हैं, परमिशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप क्या करना है, रफ परमिशन का मतलब यहां पे क्या हुआ, आप मान लीजिए अपने घर में आप अपने भाई से अपने बहन से परमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आप रूम में जाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कैन आई कम इन रूम। हालांकि मैं आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अलग से बताऊंगा इसके बाद। ओके, तो वहां पे क्या होता है, जब हमें परमिशन लेनी होती है, और याद रखिए जैसे आप कोई कलीग है जिसके आप साथ में काम कर रहे हो, ओके, या तो कोई आपका जूनियर है, या मान लीजिए कोई आपका भाई है, छोटा भाई है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। कहां पे, जहां पे परमिशन किससे लेनी है, जहां परमिशन लेनी है आपको ब्रदर से, जहां परमिशन लेनी है आपको अपने जूनियर से, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, रफ परमिशन का यूज करेंगे, और आप कैन का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आई। आपको परमिशन जब अपने छोटे भाई से लेना है, अपने कह सकते हैं कि अपने कलीग से लेना है, तब वहां पे किसका आप यूज करेंगे, कैन का। कैन आई कम इन रूम, कैन आई कम इन रूम, आप वहां पे बोला, वहां पे मैं वो नहीं बोल रहा हूं, आप सम्मान थोड़ी करना है, का सम्मान करना सीधे सीधे, वो एक फॉर्मेलिटी है कि पूछ ले तो बिना पूछे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम लोग रफ परमिशन के लिए यूज करते हैं। अगला जो इसका यूज करते हैं वो पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। अगला जो हम लोग कैन का यूज करते हैं वो कहां पे करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे आपको बताना है, जैसे आप कह रहे हैं, अगर मैं एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया आपसे, इट मे रेन टुडे, मतलब क्या कि पॉसिबिलिटी है, किसकी पॉसिबिलिटी है, बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी, सॉरी मैंने आप, मुझे यहाँ पे कैन लिखना था, मैंने यहाँ पे मेन लिख दिया, इट कैन रेन टुडे। ओके, इट कैन रेन टुडे, अब जब हमें पॉसिबिलिटी बता रहे हो, किससे बता रहे, कैन से बता रहे, हालांकि पॉसिबिलिटी अभी बताऊंगा मैं आपको अगले क्लास में कि क्या मे से भी बताते हैं, मे से भी बताते हैं, और परमिशन भी लेने के लिए मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल और जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, तीनों तरीका आपको बताऊंगा मैं परमिशन लेने का, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट, तीन तरीका आपको बताऊंगा मैं परमिशन लेने का, वो उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। अब क्या हो रहा है, हम लोग कैन का यूज कर रहे हैं किसके लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताना है हमें, हमें क्या बताना, संभावना व्यक्त करना, पॉसिबिलिटी बताना है। अब बताइए कि कैन, इट कैन रेन टुडे, मैंने आपसे क्या बोला, इट कैन रेन टुडे, तो जब मैं बोल रहा हूं आपसे कि इट कैन रेन टुडे, मींस व्हेन आई एम सेइंग दैट इट कैन बी रेन टुडे, देन यू मस्ट बी वेरी श्योर अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेन ऑन टुडे ऑन दैट डे इज 50-60%, यू कैन से 50-60%, और यू कैन ऑल्सो से अराउंड 50%, अराउंड 50%। ओके, मींस व्हाट, इफ द प्रोबेबिलिटी, इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग दैट वर्क ऑन द सेम डे, देन यू कैन से कैन, जब पॉसिबिलिटी कितनी हो, 50% के आसपास हो, 60% के आसपास हो, मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, लेकिन क्या रहा, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक है, मतलब मामला 50-50 का है कि पॉसिबिलिटी है कि रेन हो सकती है, तो आप हम लोग किसका यूज करते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। ये बात समझ भी आई, जैसे मैं बोलूं आपसे राम कैन एब्सेंट टुडे, राम कैन एब्सेंट टुडे, जैसे हम क्लास में गए, यू आर इन द क्लास एंड योर टीचर इज आस्किंग टू यू, वेर इज राम, वेर इज योर फ्रेंड राम, देन यू हैव टू से, या यू कैन से, व्हाट, राम कैन एब्सेंट टुडे सर, आज वो शायद एब्सेंट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, बिकॉज ही इज नॉट वेल, वो अच्छा नहीं है, वो सेहत में सही नहीं है, इसलिए क्या कर सकता है, आज वो एब्सेंट हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पॉसिबिलिटी बतानी होती है तब भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। इसके अलावा ऑफर, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है,
ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोगों को अपना ऑफर देना होता है, ऑफर देना होता है किसी को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे भी कैन का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कैन आई मेड अ टी फॉर यू, ये तो एकदम इसका मैं यहां पे लिख रहा हूं, कैन आई मेड टी फॉर यू, दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखा हूं, कैन आई मेड टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए टी बना सकता हूं, क्या मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। कैन आई कुक लंच फॉर यू, मैं आपके लिए लंच तैयार कर सकता हूं, क्या मैं आपके लिए, जब भी हम आप किसी को ऑफर दे रहे हैं ना कि भैया मैं आपके लिए टी बना दूं, वैसे कोई ऑफर ऑफर नहीं देता है, ठीक है, लेकिन बिना प्रॉफिट का नहीं देता, लेकिन मान लीजिए कोई कह रहा आपसे, आपके घर में कोई कह रहा, आपको कोई फ्रेंड कह रहा, तो कैसे वो कहेगा, अब वो कहेगा कैन आई मेड टी फॉर यू, जैसे आप भी कह सकते हैं अपने भाई से, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, क्या कैन आई अरेंज टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय की व्यवस्था करूं, अरेंज करूं, या मैं आपके लिए चाय बनाऊं क्या। सो ऑन दैट इंस्टेंट यू ऑल्सो यूज ऑफर। एक बात बताना मैं आपको भूल गया था, एबिलिटी पावर कैपेसिटी रफ परमिशन पॉसिबिलिटी ऑफर तो हो गया था, एक मैं भूल गया था आपको बताना, जहां पे हम लोग अपनी हैबिट की बात करते, इसको मैं मिटाता हूं, एक इसका यूज रह गया, अभी आपको मैं नेगेटिव बताऊंगा और इंटरोगेटिव का तो पूरा मैं अलग ही केस बताऊंगा, ठीक है। हम लोग जब अपनी हैबिट शो करते हैं और नेचर शो करते हैं, तब भी हम लोग कैन का यूज करते हैं, कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। आप अगर किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की हैबिट शो कर रहे हैं, या तो आप किसी का नेचर बता रहे हैं, तब भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे हमने क्या बताया आपसे कि इसका हम लोग यूज वहां पे भी करते हैं जहां पर हमें अपना नेचर शो करना होता है और हैबिट शो करना होता है। हैबिट मतलब क्या होता है, आदत होता है, नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति होती है। जब हमें नेचर शो करना या हैबिट शो करना, तो वहां पे भी हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, वहां पे भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोला हूं आपसे, ऑनेस्ट पर्सन, कह सकते हैं आप एन ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट टीज एनी वन, या ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट टीज एनी वन, किसी क्या करता, किसी को परेशान नहीं कर सकता, किसी को भी वो धोखा नहीं दे सकता, समझ रहे हैं। मैंने क्या बोला, ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट टीज एनी वन, या ऐसे लिख सकते हैं आप, एन ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट हार्म एनी वन, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कौन नहीं पहुंचाएगा, जो ऑनेस्ट पर्सन, भाई ईमानदार व्यक्ति है ना, ऑनेस्ट पर्सन, तो उसकी आदत क्या होगी, उसकी हैबिट क्या होगी, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने, क्यों, क्योंकि वो क्या है, ऑनेस्ट है। ऐसे अगर हम बात करें नेचर की, ऐसे अगर हम बात करें किसी के प्रकृति की, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अ डिफिसिट पर्सन, या कह सकते हैं आप अ डिसीटफुल पर्सन विल ऑलवेज डिसीट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अ फ्रॉड कैन डिसीव एनी वन, फ्रॉड कहिए या डिसीव कहिए, अ फ्रॉड कैन डिसीव एनी वन, जो व्यक्ति फ्रॉड है ना, जो व्यक्ति कह सकते हैं जिसका आदत सही नहीं है, वो क्या कर सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है, भाई बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, वो नेचर ऐसा है। जैसे आप कह, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर कैन हेल्प एनी वन, तो जनरली लोग यूज करते, तो क्या कह सकते, मीन्स वॉट, इट इज नाउ बिकम अ नेचर ऑफ द टीचर दैट ही कैन हेल्प एनी वन, ही विल नेवर सी वेदर द पर्सन इज लाइबल फॉर दैट हेल्प और नॉट, वो उस लाइबल है कि नहीं हेल्प के, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, उसकी हेल्प कर देते हैं। सो इन द सेम वे द नेचर एंड द हैबिट यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ कैन, आप कैन से ही किसी भी व्यक्ति का नेचर और हैबिट भी शो कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अगर मेरी इतनी बातें समझ में अगर आपको आ गई हैं, तो अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट होऊंगा नेगेटिव की तरफ। आपको इसे प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना। अगर आप चाहे तो अपने दिन भर में जो भी आप वर्ड्स यूज करते हैं ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें हम लोग एक दिन में कम से कम 25-30 बार या 50 बार मॉडल्स का यूज़ नहीं करते हो। सो हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, उसी को सेम इंग्लिश में बोलना है। ओके, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप मौसम देख रहे हैं खराब है, तो आप घर में डिस्कस कर सकते हैं, इट कैन बी रेन टुडे, डियर फ्रेंड या डियर ब्रदर, इट कैन बी रेन टूडे। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या तुम ये काम कर सकते हो, तो आप क्या कहना, यस आई कैन, मैं ये काम कर सकता हूँ। बात समझ में आई, ये हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे आप,
अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बना तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस वहां पे नॉट हम लोग एंटर कर दे। कैसे ऐड करेंगे, जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा पहले, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट तो पहले होगा, सब्जेक्ट के बाद अपना कैन होगा, क्योंकि हम लोग अभी कैन पे काम कर रहे हैं। अब कैन के बाद यहीं पे नॉट का यूज करना है, और प्लस हमारी जो वर्ब होगी उसका फर्स्ट फॉर्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक बात आपको जो ध्यान देने की है कि जो नॉट का यूज होता है ना, जो हम लोग नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, वो कहाँ करते हैं, मेन वर्ब के और मॉडल के बीच में, मेन वर्ब के और मॉडल के बीच में। जो हमारा नॉट यूज होता है वो कहाँ पर होता है, मेन वर्ब में और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के दोनों के बीच में हम लोग नॉट का यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा, आप किसी भी मॉडल को पढ़ रहे हैं, किसी भी मॉडल को पढ़ रहे हैं, आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि जो नॉट हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, कैन यानी कि मॉडल और मेन वर्ब के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग कैन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कैन और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं, सीरियसली कह रहे हैं कि सॉरी मॉम आई कैन नॉट डू दिस वर्क, या आई कैन नॉट, कैन नॉट हम लोग कांट भी लिखते हैं, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू, ऐसे ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, आई कांट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कैन नॉट भी बोलते हैं, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आई कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क, मैं इस टास्क को नहीं कर सकता, आई कांट क्लाइम ऑन ट्री, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, ओके, आई कांट स्लिप मोर देन 8 आवर, मैं 8 घंटे से अधिक नहीं सो सकता। आप ऐसे ही कह सकते हैं, जो भी आप काम नहीं कर सकते, जो भी काम आप नहीं कर सकते, बस जितना हमने पॉजिटिव पढ़ा है उसी में हम लोग नॉट को इंसल्ट करेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव का, सॉरी हमारा नेगेटिव का सेक्शन होता है। इसी सेम फॉर्म में हम लोग इंट्रोगेटिव में भी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही इंट्रोगेटिव में भी करते हैं। आइए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स इंट्रोगेटिव के, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी से कुछ पूछने के लिए, किसी से हेल्प लेने के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसको इंट्रोगेटिव वाले सेक्शन में, क्योंकि जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है मॉडल्स का, इंट्रोगेटिव सेक्शन होता है, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किसी से हेल्प लेने के लिए भी मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव, हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल्स में पूरा कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं एक वीडियो में। होता क्या है, आप जब कई सारी किताब ढूंढेंगे तब आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मिलेगा, लेकिन हमने कोशिश किया कि पूरा कंप्लीट यूज, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जहां जहां से चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के, जहां जहां पे यूज होने का चांसेस होता है, सारा मैं आपको एक साथ कलेक्ट करके दिखा रहा हूं। कुछ इसके आपको मैं स्पेशल केस भी बताऊंगा इंट्रोगेटिव में। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, जो इसका इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड यूज करते हैं। अब WH आप मत पूछिएगा, WH वर्ड मैंने आपको बताया है कि 8 WH वर्ड्स होते हैं, मैंने जब आपको बताई थी सीरीज नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब की, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे वीडियोस पड़े हैं, आपको WH वर्ड वहां से मिल जाएगा। और WH वर्ड यूज करने के बाद आप किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका होगा स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है ये WH वर्ड का स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जब हम लोग काम करेंगे मॉडल्स के साथ। ओके, अब यहां पे क्या होता है, जरूरी नहीं कि हमारे पास WH वर्ड हो ही, होता क्या है कि जो हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसनोटाइप, पहला होता है एसनोटाइप, मैंने बताया है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली सारी वीडियोस में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, दूसरा WH टाइप। जो एसनो टाइप होता है वो हमारा सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, वो कैन से स्टार्ट होगा। जो हमारा WH टाइप होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, जो हमारा एसनो टाइप होगा उसका आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा, लेकिन 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 जो हमारा WH टाइप सेंटेंस होगा वहां पर स्टार्टिंग किससे होगी, WH वर्ड से होगी। बात समझ में आई, जैसे आप कह सकते हैं कैन आई हेल्प यू, हालांकि इससे ज्यादा अच्छा होता है हम लोग मे का यूज करते हैं, लेकिन आप यहां पे भी कह सकते हैं, और यहां पे क्वेश्चन टैग तो लगाना बहुत जरूरी है, इसका मार्क्स लगाना, मार्क लगाना बहुत जरूरी है। कैन आई हेल्प यू, मैंने क्या किया यहां पे, पहले कैन का यूज किया, ओके, फिर आई मैंने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, ओके, फिर हेल्प वर्ब है, और फिर यू मैंने एज यहां पे ऑब्जेक्ट है। अब इसी में अगर हमें WH वर्ड ऐड करना है तो आप ये भी कह सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब क्या हुआ, मैंने पूछ भी लिया कैसे, पहले मैं पूछा आप क्या, कैन आई हेल्प, मैं क्या आप मदद कर सकता हूं, तो आप कहेंगे यस या नो। अगर आप यस कहते हैं तो मैं पूछ सकता हूं, हाई कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, भाई कुछ तो बताओ कैसे कर सकता हूं। आप विक्टिम है,
अगर आप COVID-19 से विक्टिम है तो आपकी हेल्प मैं कैसे कर सकता हूँ, आप इससे अगर ग्रसित हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आप अगर WH वर्ड का यूज़ करेंगे तो आपको आंसर डिटेल में देने पड़ेंगे, अगर आप सिर्फ कैन से करेंगे तो आपको यस या नो से काम चल जाएगा। ये बात समझ में आई? मीन्स क्या, इफ़ यू हैव टू यूज इन अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देन बी मस्ट बी यूज कैन इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, इसके अलावा क्या होता है, जब हम लोग कैन का यूज पढ़ते हैं और हम लोग जब क्या करते हैं इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं तो कुछ हमारे पास स्पेशल टाइप के भी सेंटेंस होते हैं जहां पे हम लोग इसका यूज हैव के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। जैसे आप किसी से अगर कह रहे हैं कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, कैन आई हैव, अब देखिए मैंने क्या किया, कैन के साथ किसका यूज किया, मैंने हैव का यूज किया, ऐसे जो तो पूरा स्ट्रक्चर ही, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, योर मोबाइल नंबर मतलब क्या मैं आपका मोबाइल नंबर जान सकता हूँ, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ। हालांकि याद रखिए मोबाइल नंबर पूछने के लिए आपको थोड़ा सा एक तरीके से सम्मान के साथ पूछना पड़ेगा तभी आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, नहीं तो मोबाइल नंबर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ और भी मिल सकता है इसके अलावा। मीन्स यू कैन से हाउ कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, आप ऐसे ही कह सकते हैं कैन आई हैव योर एड्रेस, आपको एड्रेस पूछा तब भी आपको ऐसे ही कहना पड़ेगा कैन आई हैव योर एड्रेस, या आप ये भी कह सकते हैं कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ, योर ऑटोग्राफ। भाई क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैन आई हैव से आप क्या सीख सकते हैं कि जो है कि आप अगर किसी व्यक्ति का कुछ पर्सनल चीज लेना चाहते हैं, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज व्हाट, कैन आई हैव। ओके, इन द सेम वे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, आप ऐसे भी कह सकते हैं कैन यू टेल मी, अब देखिए मैं कैन यू टेल मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, अब आप कुछ भी जोड़ लीजिए इसमें, कुछ भी जोड़ लीजिए, वेयर यू लिव्स ना, आप कहां रहते हो भाई, वेयर यू लिव्स, आप ये भी पूछ सकते हैं कैन यू टेल मी वेयर इज स्टेशन, या वेयर इज बस स्टॉप, आप ये भी पूछ सकते हैं कैन यू टेल मी विच वन इज द बेस्ट वन, कौन सा बढ़िया सबसे बेहतर कौन सा है, कैन यू टेल मी व्हाट्स योर नेम, आप भाई ये भी पूछ सकते हैं जब अपना नाम, मतलब ये क्या हो रहा है, कैन यू टेल मी का भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं सामने वाले से कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी बताने मदद करेंगे। इसके अलावा एक तीसरा एक तरीका और भी होता है जो हम लोग कैन का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव में, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो इसका नोट्स बनाते चलिए, इसको लिखते चलिए, देखते इसका एक टाइप हम लोग और देख लेते हैं, इसका एक टाइप हम लोग जनरली कभी कभी इसका भी यूज कर लेते कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे हमें अगर पूछना है कैन यू टेल मी द वे, यस, जैसे अगर कभी आपसे किसी से आपको रास्ता पूछना तो आप कैसे कह सकते हैं कैन यू टेल मी द वे, अगर आपको किसी से रास्ता पूछना है आप क्या पूछ सकते हैं कैन यू टेल मी द वे ऑफ पुलिस स्टेशन, कैन यू टेल मी द वे ऑफ रेलवे स्टेशन, कैन यू टेल मी द वे ऑफ बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, कैन यू टेल मी द वे ऑफ योर होम, क्या आप मुझे अपने घर का रास्ता बता सकते हैं, कैन यू टेल मी द वे ऑफ दैट कोचिंग, कैन यू टेल मी द वे ऑफ यूनिक ग्रुप, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप, हालांकि रास्ता बताने की बात नहीं, आप गूगल मैप से देख सकते हैं, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है वो प्रयागराज में चलती है, आप वो उसका देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब किसी से कुछ पूछना है, जब किसी को आपसे कुछ आपको जब रास्ता पूछना है तब भी आप कैन का यूज करेंगे। इतनी बातें समझ में आई, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आप प्लीज़ हमारी जो वीडियो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा, और मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि इसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, और ये आपको उन सभी दोस्तों तक पहुँचाना कि जो सारे दोस्त नहीं जानते इसका यूज, अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त आपका है जो ये कैन का यूज़ नहीं जानता तो प्लीज़ उसको शेयर करिए, उसकी हेल्प करिए, और उससे भी आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप अपने घर में जैसे पूरे दिन तो हिंदी में बोल रहे हैं, पूरे दिन भोजपुरी में बोल रहे हैं, अवधी में बोल रहे हैं, तो अभी आप बोल रहे हैं हिंदी में तो उसमें आप बीच में इंसल्ट कर दिया करिए, ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू, कोई परेशान है, हाउ कैन आई हेल्प यू, कैन यू गिव मी योर फोन, ओके, कैन यू गिव मी योर नंबर, तो ऐसे बातें करके आप वहां पे यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग अगले मॉडल को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।